हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग भी एक यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हैं और आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आप किसी के ना किसी का वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करके और यूट्यूब पर ही डाल देते हैं तो दोस्तों आप लोग को वहां पर सीधा स्ट्राइक मिल जाता है, जिससे आपका चैनल पर 3 गो स्ट्राइक आ जाता है तो दोस्तों आपका चैनल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से उस कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि आपका चैनल पर स्ट्राइक आ गया है तो दोस्तों वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि आपका 90 दिन का अंदर ही वो स्ट्राइक हटेगा। तो दोस्तों आप लोग जा करके देखते हैं तो आपका स्ट्राइक वहां से नहीं हटा रहता है, आपका 90 दिन से ऊपर हो जाता है तब भी आपका स्ट्राइक वहां पर नहीं हटा रहता है। दोस्तों वहां पर लिखा है साफ साफ कि आप लोग का जो यूट्यूब का स्कूल है आप लोग उसको पूरा करिएगा तभी आपका चैनल पर से वो स्ट्राइक हटेगा। तो दोस्तों आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कॉपीराइट स्कूल को कैसे हटा करके अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और आपका 90 दिन से ऊपर हो गया तब भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हट नहीं रहा है तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही उस कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आप अपने मोबाइल से ही उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि हमारे इस YouTube चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और 90 दिन पूरा भी हो गया लेकिन वो स्ट्राइक हट नहीं रहा है तो दोस्तों कैसे हटेगा चलिए आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार, इस सर्च में सर्च करना होगा YouTube.com यहाँ पर सर्च करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एरो, इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रास्ते में आप लोग को देखने को मिलेगा आपका लोगो, उस लोगो वाले आइकन पर क्लिक करके और देख सकते योर चैनल, इस योर चैनल पर क्लिक कर देना होगा। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको सीधे क्रिएटर स्टूडियो में, आपको सीधे वाइट स्टूडियो में आपको ले जाएगा। लेने के बाद दोस्तों देख सकते हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले आइकन पर, फर्स्ट वाले इस देख सकते हैं इस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं लिखा है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं चैनल विलुवेशन, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। दोस्तों क्या करेगा इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, अगर आपको मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, मिला होगा तो दोस्तों सेम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं लिखा है, आप देख सकते हैं एक कॉपीराइट स्ट्राइक और देख सकते हैं उस पर दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। दोस्तों ये मेरा जो कि है वो 90 दिन पूरा हो भी गया है लेकिन ये वार्निंग हट नहीं रहा है। दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक माई, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्ट्राइक ऑन मई 26/2022 को ही मिला। यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट कॉपीराइट स्कूल, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा है कम्प्लीट कॉपीराइट स्कूल फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर। तो दोस्तों क्या करेगा इस कॉपीराइट यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक करके और यहाँ देख सकते हैं कॉपीराइट स्कूल आप लोग देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कॉपीराइट स्कूल पर क्लिक करके और यहाँ देख सकते हैं आप लोगों का वीडियो भी दिया है उसका दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया है आप लोग को, देख सकते हैं 4 को इसमें ऑप्शन दिया है। आप लोग क्या करेगा आपका कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है और आप लोग का 90 दिन पूरा भी हो गया है लेकिन वो स्ट्राइक हॉट नहीं रहा है। दोस्तों आप लोग करना क्या होगा, जब तक आप लोग देख सकते हैं 4 को सवाल है, जब तक आप लोग इस 4 के सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपका कोई भी यहाँ से कोई भी कॉपीराइट यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, आप लोग को समझ में आ रहा है तो समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको कॉपी करके और हिंदी टू इंग्लिश करके आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं मैं हिंदी टू इसको इंग्लिश करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है फर्स्ट में, यहाँ पर लिखा है मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, हिंदी टू इंग्लिश करके लगा दूंगा, आप लोग पढ़ के और अपने समझ के आप लोग इसको क्या करेगा अपने सवाल के जवाब दे करके अपने कॉपी को यहाँ से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 को सवाल में, दोस्तों यहाँ पर 4 को सवाल में आप लोग का क्या करना होगा, 3 सवाल का जवाब पूरा राइट देना होगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज टेक ए मोमेंट टू वॉच द वीडियो ऑन कॉपीराइट आंसर द फॉलोइंग फोर, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन फोर क्वेश्चन लिखा है। दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते पढ़ लीजिएगा द फॉलोइंग आइटम माई बे प्रोडक्ट बाई कॉपीराइट। दोस्तों अगर आपका जो वीडियो है
और आप लोग किसी का वीडियो डाउनलोड करके आप लोग अपने वीडियो पर डाल रहे हैं। तो दोस्तों अगर सही है या नहीं तो दोस्तों आप लोग क्या करेगा, आप लोग देख सकते ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ऑल ऑफ द व्यूज। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आई हैव समथिंग ऑलवेज दैट यूर हैव एफिनिटी, आप लोग देख सकते पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़ के आप लोग अपने हिसाब से जवाब इसको दे दीजिएगा, जैसे कि चलिए मैं ऐसे पढ़ पढ़ कर आपका जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं चारों का सवाल का जवाब दे दिया हूँ। देने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसको जूम आउट को कम करके और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ब्लू कलर में, यहाँ पर देख सकते हैं चेक आंसर आप लोग देखने को मिलेगा। इस चेक आंसर पर आप लोग क्या क्लिक करेगा जाए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ से चारों ऑप्शन का जवाब यहाँ पर दे दिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर चारों पर टिक लगा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर सही है या गलत है। दोस्तों चलिए आप लोग को यहाँ से चार को सवाल में कम से कम तीन को सवाल का जवाब आप लोग को पूरा राइट होना चाहिए, तभी आप लोग इस कॉपीराइट स्ट्राइक को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं, तभी आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को चार को सवाल में से तीन को सवाल का जवाब पूरा राइट देना होगा, तभी आप लोग अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं चारों सवाल का जवाब दे दिया हूं। देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं चेक आंसर, इस चेक आंसर पर क्लिक कर दीजिएगा। चेक आंसर पर क्लिक करने के बाद वेट कर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैं तीन को ऑप्शन यहाँ पर देख सकते चार को सवाल में से तीन को ऑप्शन का जवाब दे दिया पूरा सही सही। जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग टेरिया गाइन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से पूरा अपना कंप्लीट करके कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं डन, इस डन वाले आइकन पर क्या करना होगा क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद देख सकते हैं लिख रहा है देयर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको आप लोग कैसे इसको हटा करके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देयर आर नो कॉपीराइट यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन में यहाँ हट जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल से ही अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं एक क्लिक में। दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल फोन से उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं, लेकिन आपको उस चार सवाल में से तीन सवाल का जवाब पूरा राइट देना होगा, तभी आप लोग अपने मोबाइल फोन से उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हैं और अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।